तो ये है Vivo T2 5G और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि इस वाले फोन को IQ Z6 Lite 5G से कंपेयर करो। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही फोन की लाइन बाय लाइन स्पेसिफिकेशन कंपेयर करने वाले हैं। आपको इन दोनों ही फोन में क्या अच्छा मिलता है, क्या खराब मिलता है और इन दोनों ही फोन में से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों डिजाइन की बात करते हैं, तो डिजाइन दोनों ही फोन का यहाँ पे दिखने में काफी अच्छा लगता है भाई। हालांकि अगर आप Vivo T2 5G को अलग अलग एंगल में टिल्ड करते हो ना, तो ये कलर चेंज करता है। बाकी दोनों ही फोन पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आता है एंड यहाँ पे मैंने विदाउट कवर ही रखा है इन दोनों ही फोन को। अभी तक इस पे तो कोई भी स्क्रेचेस वगैरह देखने को नहीं मिले और हाथों कोई निशान वगैरह भी नहीं आते यहाँ पे। एंड यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी दोनों ही फोन की सॉलिड है। दोनों ही फोन में सारे पोर्ट्स एंड बटन दे रखे हैं। नॉइस कैंसिलेशन वगैरह आपको Vivo T2 5G में देखने को मिलता है, जबकि IQ Z6 Lite 5G में देखने को नहीं मिलता है। और दोनों ही फोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है और दोनों की स्पीकर की लाउडनेस जो है वो आपको एवरेज टाइप की देखने को मिलेगी। और Vivo में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है जो कि हर बार अच्छे से काम कर जाता है, और IQ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है जो कि ये भी हर बार अच्छे से काम कर जाता है। और अगर बात करें डिस्प्ले की, तो Vivo में आपको 6.38 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले लगी हुई मिलती है, जबकि IQ में आपको 6.58 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले लगी हुई मिलती है। और दोनों ही फोन एक वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले के साथ आता है एंड सिमिलर लाइक वाली आपको बेजल से देखने को मिल जाती है दोनों ही फोन की डिस्प्ले की। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं क्लियर डिफरेंट बताऊं, तो Vivo जो है ये AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है और ये IPS डिस्प्ले के साथ आता है, बट यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जबकि इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो डे टू डे यूज में स्क्रॉलिंग वगैरह में जो IQ है ये थोड़ा सा फास्ट फील होता है, लेकिन अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो ना, तो Vivo की डिस्प्ले के कलर्स वगैरह आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। बाकी आउटडोर विजिबिलिटी वगैरह भी मेरे को Vivo की अच्छी लगी है, यहाँ पे डिस्प्ले अच्छे से आउटडोर में विजिबल हो जाता है IQ के कंपैरिजन में। बात करते हैं इसकी बैटरी एमएच की, तो यहाँ पे दोस्तों IQ में 5000 एमएच की बैटरी लगी हुई मिलती है, जबकि आपको Vivo में 4500 एमएच की बैटरी लगी हुई मिलती है। और ये वाला जो फोन है भाई 18 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में आपको कोई चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे डेफिनेटली IQ की जो बैटरी बैकअप है ये मेरे को अच्छी लगी है, ये आपको एक से डेढ़ दिन का बैकअप निकाल कर दे देता है, जबकि Vivo आपको एक दिन का ही बैकअप निकाल कर देगा, बट ये वाला फोन जल्दी चार्ज हो जाता है, तो ये भी एक प्लस है इस वाले फोन के साथ। और अगर OS की बात करें, तो IQ भाई Android 12 के साथ आता है और आपको Fantas OS 12 देखने को मिल जाता है, जबकि Vivo Android 13 के साथ आता है और आपको Fantas OS 13 देखने को मिल जाता है। और मैंने इन दोनों फोन को जितना भी यूज करा है, दोनों फोन की OS में मेरे को कोई भी बग या फिर जिटर वगैरह महसूस नहीं हुआ है। बाकी स्टार्टिंग में कुछ कचड़े मिलेंगे जिसको निकाल देना, उसके बाद आपको क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है इन दोनों फोन की कैमरास की। IQ जो है ये 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ आता है, सेल्फी कैमरे की तरफ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। वहीं आपको Vivo में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, सेल्फी कैमरे की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। अब मैंने इन दोनों फोन से फोटोज वगैरह ली थी, फोटोज वगैरह अच्छी आती है दोनों फोन से, कलर्स वगैरह आपको अच्छे देखने को मिलती है, फोटोज में डिटेलिंग वगैरह काफी अच्छी होती है भाई, एंड सेल्फी कैमरा वगैरह से भी दोनों फोन अच्छी फोटोज ले लेता है। यहाँ पे Vivo जो है ये अच्छा परफॉर्म करता है भाई, इसकी फोटोज वगैरह अच्छी आती है। बाकी दोनों फोन फुल एचडी वीडियो 60fps पे रिकॉर्ड कर सकता है, यहाँ पे आप वीडियोस वगैरह देख सकते हो कि किसकी अच्छी आपको मिल रही है। अब मैंने इन दोनों फोन की डिटेल कैमरा टेस्ट कर रखी है, आप देख लेना, लेकिन एक को मैं पिक करूँ ना भाई, तो देखो भाई मेरे को जो Vivo का कैमरा है ये थोड़ा सा बेटर लगा है IQ के कंपैरिजन में। और अगर बात करते हैं प्रोसेसर की, तो IQ में आपको स्नैपड्रैगन 4Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जबकि Vivo में आपको स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब मैंने यहाँ पे अंतुतु स्कोर निकाली थी भाई, Vivo जो है 4 लाख के प्लस अंतुतु स्कोर निकाल के लाता है, जबकि IQ जो है ये 3 लाख के प्लस अंतुतु स्कोर निकाल के लाता है। और गीकबेंच वगैरह CPU थ्रॉटलिंग वगैरह आप देख सकते हो। अब मैंने इन दोनों फोन में BGMI वगैरह प्ले करा था भाई, दोनों फोन में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, कहीं पे भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को नहीं मिलेगा गेम प्ले के दौरान, बट यहाँ पे Vivo जो है ये थोड़ा सा IQ से बेटर परफॉर्म करता है, यहाँ पे काफी स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और गेमिंग वगैरह के दौरान मैंने दोनों फोन को हीट वगैरह होते हुए भी नहीं देखा, काफी अच्छे से दोनों फोन हीटिंग को कंट्रोल करके रखता है। और आपको UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है दोनों फोन में, तो ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग वगैरह आपको अच्छी देखने को मिलती है। इवन रैम मैनेजमेंट वगैरह भी दोनों फोन की अच्छी है, काफी टाइम तक एप्लीकेशन को दोनों फोन रैम में रख पाता है। एंड अगर बात करते दोस्तों कॉलिंग वगैरह की, तो दोनों फोन जो है एक 5G डिवाइस है, और IQ में आपको 2 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है, और Vivo में आपको 6 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे दोनों फोन में 4G प्लस वगैरह का सपोर्ट दिया हुआ है। कॉल वगैरह मैंने इन दोनों फोन से लिया था, कॉलिंग वगैरह के टाइम दोनों फोन में दिक्कत नहीं आती है, अच्छे से आवाज आता है, अच्छे से आवाज जाता है। हालांकि Vivo में नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया है, तो नॉइसी एरिया में दिक्कत नहीं होता है, जबकि IQ में नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं है, तो नॉइसी एरिया में ये थोड़ा बहुत दिक्कत करता है। एंड ओवरऑल बात करते हैं कि मेरे को इन दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा लगा और कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। तो देखो भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से हम जजमेंट देने वाले हैं यहाँ पे। देखो इसकी प्राइस मैंने आपको बताया
बताई कि 14,000 से 15,000 रुपया है और इसकी प्राइस 20,000 रुपया है। तो अगर मैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक को पिक करूं तो मेरे को IQ Z6 Lite 5G अच्छा लगा है। एंड अगर आपका बजट 20,000 का नहीं है तो आप डेफिनेटली IQ को ले सकते हो, ये आपको एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। बाकी आप अपनी राय बताओ कमेंट करके कि आपको क्या लगता है इन दोनों ही फोन के बारे में। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। चलो मिलते हैं फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।